पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों से मन की बात की है और पीएम मोदी ने एनसीसी डे पर शुभकामनाएं दी। तो पीएम मोदी इसके साथ ही कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट के साथ अपनी बातचीत को भी साझा किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में अयोध्या फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना मूल्य सर्वोपरि है। पीएम मोदी महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हैं और इस बार भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों की तारीफ की। साथियों, पिछले मन की बात में हमने 2010 में अयोध्या मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था कि देश ने तब किस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा था, निर्णय आने के पहले भी और निर्णय आने के बाद भी। इस बार भी जब 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि है। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।